Hi everyone, so welcome to Jaydev classes for JRF and this is Meenakshi Singh और आज हम लोग यहाँ पर expected MCQs करने वाले हैं. So जल्दी से सारे live आ जाओ, part 3 होने वाला है आज. अभी तक हम लोगों ने दो parts discuss कर चुके हैं, हम इसका part 1 and part 2. Okay, so जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे. Very very good evening to all, good evening everyone. ये question हमने कर लिए थे ना आशुतोष वार्ष ने, ये जो मैचिंग थी ये भी हो गई थी. चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, बताओ फटाफट कौन कौन बच्चा आ गया. ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. पार्ट थ्री में आप सभी का वेलकम है. चलो शुरू करें. ओके गुड इवनिंग एवरीवन. सो आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. कल ही आप लोगों की लास्ट क्लास हुई थी. मैंने पीडीएफ जो है वो आप लोगों के आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दी है. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जो आप लोगों का बेसिकली है, तो इसमें आज आप लोगों का कल से शुरू हो गए हैं फ्री मॉक टेस्ट. ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा ग्रुप, है ना. तो जो हमारा ग्रुप है तो इसमें ये देखिए, ये सारे अभी आप लोगों के क्या हो रहे हैं, रुकिए. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखो आज भी ये मॉक टेस्ट हुए थे. ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ पे करना होता है या ऐसा कुछ, बिल्कुल भी नहीं. 5 बजे आ जाओ, लाइव होता है. ठीक है, 5 बजे देखो काफी सारे बच्चे आते हैं. ये देखो काफी सारे बच्चे आते हैं और ये टेस्ट देते हैं. ठीक है, तो आप लोग भी आ सकते हो. ये देखो, ठीक है, ये आज ही हुआ है. अब कल 5 बजे टेस्ट होगा आप लोगों का और 10 बजे रात में क्लास होती है. ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट और क्लासेस ये सारी चल रही हैं. आज आप लोगों का 18 बच्चों ने इसको 35 क्वेश्चन का आंसर किया था. और देखो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड आप देख सकते हो, सुजाता पांडा है ना, और गौतम और अग्नि राजगुप्ता है ना, और शोभी जैदी. तो ये बेसिकली टॉप लर्नर्स रहे हैं आज के इस क्विज के. तो आप लोग जरूर इसको जो है, अच्छा ये अभी आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ. ये रहा, ठीक है, ये देखो, ये इस वाले उसकी बात कर रही थी मैं. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर डेली मॉक टेस्ट होते हैं. ठीक है, डेली मॉक टेस्ट होते हैं. देखो क्विजेज हुए हैं, आज की डेट दिखा रहा है ना, ये 35 क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ था. तो ये 35 क्वेश्चन ये बेसिकली आज हुए थे. ओके एवरीवन, और ये देखो ये आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना. देखो 18 बच्चों ने दिए थे और 18 बच्चों में जो सबसे ऊपर नाम आप देख रहे हो ये टॉप लर्नर्स हैं. ओके, तो जरूर इसको ज्वाइन करें और करेक्ट 5 बजे शाम को तैयार हो जाएं टेस्ट के लिए. ठीक है, इसमें कुछ भी मतलब चार्जेबल फी नहीं है, बस आप लोगों के गोल को अचीव करने के लिए ये हमारे स्टूडेंट का एक इनिशिएटिव है. ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप दिसंबर वाला गोल अपना अचीव करना चाहते हैं. बाकी जयदेव क्लासेस पर आप सबका वेलकम है. और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, सेट की, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, तो आप लोग जो है हमारे इन लर्नर्स के साथ, जैसे इन लर्नर्स ने अपने गोल को अचीव किया है उस तरीके से आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं. आप लोगों के लिए ना यहाँ हमारे ऐप पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डिंग सेशंस के बाद टेस्ट सीरीज मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है. आप हमें नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो ऊपर नंबर्स गिवन है. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वायरी होती है कर सकते हैं. ठीक है, पेपर 1 नीलम मैम, पेपर 2 मैं, और 9 बजे क्लास हो रही है आपकी, 11 बजे क्लास होती है. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. अभी इस वाले 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपका ऑफर चल रहा है. ठीक है, और बेसिकली ये जो ऑफर है आप लोगों का 6 मंथ का,
ठीक है, ये ऑफर आपका चल रहा है 5,999 में आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको ऑल सारा सिलेबस, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, क्विजेस, मॉक टेस्ट, संडे स्पेशल क्विजेस और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ये सारा मिल रहा है। बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, रिजनेबल प्राइसेस पे निकाला हुआ है, ताकि हमारे जो बहुत ही बैकवर्ड साइड के जो बच्चे हैं, बहुत ही बैकवर्ड जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके इतना सोर्स नहीं होता इनकम का, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स के लिए मैंने कम ही उसका निकाला है। तो जयदेव क्लासेस फॉर JRF अगर आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहाँ के स्टोर में जाना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत आती है कॉल कर सकते हो, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, मॉक टेस्ट लेना है मॉक टेस्ट ले सकते हो, 300 रुपीज़ में मिल जाएगा, सेल चल रही है अभी, ठीक है, गणेश चतुर्थी की सेल चल रही है। चलो शुरू करें आज। ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था। गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग राहुल, स्वर्णलता, रागिनी, विजय, रागिनी मैसेज होने स्टार्ट हो गए ना अब, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा जो है रीजन, आप बताओ कौन सा इनमें से जो रीजन है, गुन्नर मृदल, जो गुन्नर मृदल है, ठीक है, अपनी बुक एशियन ड्रामा इन इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन 1968, उसमें इंडिया को सॉफ्ट स्टेट बोलते हैं किस रीजन की वजह से। अभी क्वेश्चन वैसे कल हुआ था, ठीक है, लेकिन बस मैं आप लोगों की एक मेमोरी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों में से किन किन बच्चों को इसका क्वेश्चन जो आंसर था, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, किस किस को याद है। चलो आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है, अभी इसके बाद ना 30 सेकेंड्स का टाइमर चला चला देंगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसमें जो राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोशल इनडिसिप्लिन पाया जाता है, करप्शन पाया जाता है, और लॉ का इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा वीक होता है। ओके तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू रॉब जेनकिंस जो है, कौन सा फैक्टर जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म में बहुत ज्यादा उसको मंद कर देता है, ठीक है, तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब उसको कम करता है, ये हमने डिस्कस किया था। और हमने लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस किया था ना कि गवर्नर वाला और बिल वाला है ना, देखो गवर्नर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं बिल जो प्रेजेंट हुआ है असेंट के लिए, मैसेज रिक्वायर्ड द रिक्वेस्टिंग द हाउस ऑफ टू कंसिडर द बिल और एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द बिल, तो ये क्या होगा, जो हमारे राज्यपाल सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा सकते हैं कि सदनों से विधेयक में किसी विशिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाए। बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नीड टू रिटर्न दिस लेजिस्लेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 20 डे। देखो ये तो ठीक है, बट दैट इज रॉन्ग, हमारे यहाँ कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, 20 दिन का कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए तो सही है लेकिन आर जो है वो बी मतलब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके एवरीवन, अब देखो यहाँ पे आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है मैच करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, क्लियर है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मीनिंग है, जैसे कि पावर एज कैपेबिलिटी, पावर एज, रुको ये ना आई थिंक ये बेसिकली वो हो गया है, इसमें ना पावर एज इम्पैक्टिंग रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस बिहेवियर होगा, ये जियोपॉलिटिकल पावर होगा और ये सॉफ्ट पावर होगा, ठीक है, अब इसका मैच करना शुरू करना है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर किसी को हिंदी चाहिए हो तो बोलना, क्योंकि तभी बोलने पर ही आपको हिंदी मिलेगी। ओके एवरीवन, चलिए सो प्रोवाइड द करेक्ट आंसर, अरे वाह ठीक है, विजय यहाँ पे बी, शुभम बी, विजय सी, ममता सी, ओके इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो क्या बच्चों,
आप लोग ना जैसे आंसर करें ना आप लोग, तो यहाँ पे 23 का करके लिखना कि मैम 23 का आंसर कर रहे हैं। ओके एवरीवन, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, ओके आंसर करिए। नाइस, कल हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना? आज तो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, ठीक है? मजा आ जाएगा पक्का, इतने अच्छे क्वेश्चन है कि मजा आ जाएगा, पक्का मजा आ जाएगा। इजी भी क्वेश्चंस हैं और हार्ड भी क्वेश्चंस हैं। ओके ठीक है। सो यहाँ पर जो बच्चे हमारे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, ओके एवरीवन। ओके सो यहाँ पर देखिए, पावर एज कैपेबिलिटी, पावर एज कैपेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट के साइज को, उसके लेवल ऑफ इनकम को, आर्म फोर्सेस को, इसकी बात कर रहे हैं। जब हम पावर ऑफ कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं, तब हम स्टेट के साइज की, उसके इनकम की और उसके आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं पावर एज इम्पैक्टिंग रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी, हम यहाँ पर अफेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अफेक्टिंग अदर्स मोर देन अदर्स अफेक्ट देम, ठीक है, दूसरों को अफेक्ट करना, उनसे अफेक्ट ना होकर दूसरों को अफेक्ट करना। जियोपॉलिटिकल पावर क्या कहता है? ये जियोपॉलिटिकल पावर लोकेशन की बात करता है, ट्रेड रूट्स की बात करता है, ठीक है, लैंड लॉक और एक्सेस ऑफ सी की बात करता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल है। और सॉफ्ट पावर की जब हम बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर क्या हो जाएगा, यानी कि इंडिया स्प्रेड ऑफ स्टेट वैल्यू टू अदर स्टेट, है ना? जो आइडियाज है, स्प्रेड ऑफ स्टेट वैल्यूज टू अदर स्टेट, ये हो जाएगा सॉफ्ट पावर, है ना? जैसे कि सॉफ्ट पावर की बात कौन करते हैं, लुसियन पाई या जोसेफ नाई, कौन करते हैं? जोसेफ नाई करते हैं। जोसेफ नाई ने क्या बोला था, सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर इज इक्वल टू स्मार्ट पावर, यही कहा था जो हमारे जोसेफ नाई थे, जोसेफ नाई ने यही बोला था ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी तारीफ कर दूं? आशीष ने सही किया है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे करूंगी तारीफ। देखो लास्ट में किया है ना, सबसे पहले आंसर करना फिर तारीफ करूंगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो जोसेफ नाई जो है, जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर इज इक्वल टू स्मार्ट पावर करके ये बताया था, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, विच थ्योरिस्ट एम्फसाइज अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन करता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, आप लेट से ज्वाइन किए हो, कोई बात नहीं भाई। देखो अभी तक सिर्फ 3 लाइक हैं सेशन पर, जो जो बच्चे हमारे क्लास में हैं वो सेशन को एक बार थम्स अप कर दो, एक बार लाइक कर दो सारे बच्चे। और ना आप लोग ना शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सेशन शेयर कर दिया करो। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर सारे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे, चंदन ने सबसे पहले आंसर किया है, फिर मुख्तार ने किया है, आशीष दिमाग लगा के, अच्छा, कोई चोरी नहीं किया, सबसे अलग आंसर दिया, अच्छा चलो ठीक है। शिवांगी, स्वर्णलता, ठीक है, ये ए डी, विजय डी, डी का 4D से किया, अच्छा सक्षम ए, ठीक है। ओके एवरीवन, सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वैसे इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इजी है,
तो कौन से थियोरिस्ट हैं जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में? भाई कैनेथ वॉल्स ही तो हैं, सही बात है ना, कैनेथ वॉल्स है। कैनेथ वॉल्स ने क्या दिया था? या तो आप न्यू रियलिज्म बोल दो, या तो आप न्यू रियलिज्म बोल दो, या फिर आप स्ट्रक्चरल रियलिज्म बोल दो, है ना, बात तो सेम है। तो इन्होंने न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म को दिया था, है ना। इसके अलावा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी बुक है, इनसे रिलेटेड क्या है, डिफेंसिव रियलिज्म है या ऑफेंसिव रियलिज्म है? इनसे रिलेटेड डिफेंसिव रियलिज्म है ना। रॉबर्ट कॉक्स की कौन है? रॉबर्ट कॉक्स क्रिटिकल थ्योरी को बताते हैं। रॉबर्ट कॉक्स किसको बताते हैं? क्रिटिकल थ्योरी को। माइकल डॉयल ने क्या दिया था? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी माइकल डॉयल की है, बच्चों याद रखना, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसकी है? माइकल डॉयल की। एलेक्जेंडर वेंट, आप बताओ, आप बताओ, एलेक्जेंडर वेंट किस किस के, उन्होंने क्या दिया है? आपके एनटीए यूजीसी नेट में भी आया था एलेक्जेंडर वेंट से क्वेश्चन, याद है 2022, याद करो 2022 का पेपर आया था अलेक्जेंडर वेंट से। चलो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अलेक्जेंडर वेंट का क्या होगा, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया एवरीवन, जल्दी से। हाँ वेरी गुड अनिरुद्धा, क्या हो जाएगा? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो अलेक्जेंडर वेंट का हो जाएगा, है ना। अलेक्जेंडर वेंट का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ओके। लुईस ऑल्थोजर का है, बच्चों जो बच्चे कह रहे हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म मेरे नलायकों, वो लुईस ऑल्थोजर का है, ठीक है। अलेक्जेंडर वेंट का याद रखना क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर वेंट का हो जाएगा आपका, एक है अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, अनार्की इज व्हाट बोलते हैं ना, अनार्की इज व्हाट इट मेक्स ऑफ इट करके है इनका, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी पूछ लिया जाता है कि सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली किसने दिए है, तो ये याद रखना किसने दिए है, ये दिए 1999 में बच्चे, ये बुक है इनकी अलेक्जेंडर वेंट की, ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह क्या बात है, ये क्वेश्चन देखो, विच थ्योरिस्ट हैज कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, किस थ्योरिस्ट ने कॉइन किया था डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट टर्म को? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया एवरीवन, आंसर करेंगे बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यस गया है कि टाइम हो गया है आप लोगों का, बट मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर करें। यहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बोल रहे हैं सी, लेकिन शुभम कह रहा है मैम बी होगा मुझे। अच्छा चलो भाई, गोली आप ले लो, ठीक है, गोली वोली खाओ, वरना खाना वाना खा के सो जाना, और क्या, चलो सर वर दर्द दर्द हो रहा है तो दवा खाओ, ठीक है। कौन सी थ्योरिस्ट ने कॉइन किया था डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट को? तो यहां पर सबसे पहले याद रखना, जो आपको पता है थर्ड वर्ल्ड टर्म किसने कॉइन की थी, थर्ड वर्ल्ड। चलो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूं, देखते हैं कौन बच्चा पलक झपकते ही आंसर करता है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड टर्म कॉइन किसने की थी, किससे रिलेटेड है थर्ड वर्ल्ड का टर्म? बहुत बढ़िया, क्या नाम है? एल्फ्रेड सोवी। क्या नाम है? अरे भाई तुम उधर हो जाओ, ठीक है, एल्फ्रेड सोवी। तो थर्ड वर्ल्ड टर्म एल्फ्रेड सोवी ने दी थी, बहुत बढ़िया एवरीवन। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, ये आप लोगों का कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी बुक पता है ना किसकी है? शम पीटर की।
किसकी है? शम्पीटर की। ओके ठीक है, आप लोग ना ये एकला एकला याद रखना। ये क्या है बच्चों? एकला इज रिलेटेड टू डिपेंडेंसी या फिर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी बोल दो। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ लैटिन अमेरिका। ठीक है, यूएनओ द्वारा इसको गठन किया गया था। कब बनी थी? 1962 में बनी थी। क्या है इसका पूरा नाम? इसका नाम है इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ लैटिन अमेरिका। ठीक है, और आपको पता है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रॉल प्रविश को। रॉल प्रविश नाम सुना है? रॉल प्रविश, वो भी इसी में आते हैं, है ना? तो ये याद रखना। इसके अलावा जो बहुत सारे निर्भरता सिद्धांत के थिंकर हैं, तो इसमें आपके रॉल प्रविश, एंडर गुंडर फ्रैंक, कोर्डोसो, है ना, और दो संतोष याद रखना कि उन्होंने क्या दी थी? न्यू डिपेंडेंसी। न्यू डिपेंडेंसी इज रिलेटेड टू दो संतोष। वॉलस्टीन, वॉलस्टीन से क्या रिलेटेड हो जाएगा? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। एंडर गुंडर फ्रैंक ने क्या दिया था? डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, ये सब देखो डिपेंडेंसी वाले ही हैं। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा एंडर गुंडर फ्रैंक। किसने डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट टर्म को कॉइन किया था? तो वो है एंडर गुंडर फ्रैंक। कौन है? एंडर गुंडर फ्रैंक। और इन्होंने बेसिकली क्या दिया था? इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी बताई थी। ठीक है, क्या किया था? डिपेंडेंसी थ्योरी इन्होंने बताई थी, ये बात याद रखना बच्चों। और डिपेंडेंसी थ्योरी का जो मुख्य जोर है वो नव साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलुओं पर है। किस पर है? नव साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलुओं पर। ठीक है, तो ये याद रखना सारे बच्चे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो एंडर गुंडर फ्रैंक है, देखो बच्चों याद रखना, दो थ्योरी बता रही हूँ, बहुत अच्छे से बता रही हूँ, पूरी लाइफ याद रखना। इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दी थी और इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी। अब इसमें आप देख रहे हो एक में दो वर्ड है, एक में तीन वर्ड है, है ना? जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो क्या, वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, कहती है कि एक होती है कोर कंट्रीज और एक होती है पेरिफेरी कंट्रीज। वही वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है, कहती है कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि मैम इंडिया किसमें आएगा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इंडिया किसमें आएगा? सेमी पेरिफेरी में आएगा। इंडिया किसमें आएगा? सेमी पेरिफेरी में। ओके एवरीवन, तो ये यही बताते हैं कि किस तरीके से कोर कंट्रीज जो है वो पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उन्हीं से कच्चा माल लेती हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके उन्हीं को बेच देती हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे उनकी डिपेंडेंसी तो हमेशा बनी रहेगी, इन पर बनी रहेगी। और आज देखो इनकी दशा वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, है ना? तो ये याद रखना। तो ये बेसिकली हमारे एंडर गुंडर फ्रैंक जो है। अच्छा, एक चीज आप याद रखना, जैसे सामीर अमीन आप देख रहे होगे, आप सोच रहे होगे मैम ने इस पर कुछ नहीं बताया, अनइवन डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगी मिलेगी अनइवन डेवलपमेंट। अनइवन डेवलपमेंट समीर अमीन की है। किसकी है? समीर अमीन की। ये याद रखना, ये बच्चे नव मार्क्सवादी हैं, ये समीर, ये बेसिकली। ठीक है, और ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी किसने दी थी? दो संतोष ने। न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी दो संतोष। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं चीजें आप लोगों को बता रही हूँ ना, लिखते हुए चलना, लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ज्यादा छोटा हो गया। ये लो, नॉन अलाइनमेंट रेफर्स टू एन अप्रोच बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्री इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैट। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया के देशों के दृष्टिकोण से है। तो इसमें से देखो कौन सा आंसर होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, आंसर प्रोवाइड करिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आंसर करना बच्चों, आंसर करो जल्दी से। कौन सा नहीं समझ में आया आपको? मुख्तार बताओ क्या क्या बताना है।
आपका मैंने मैसेज अभी देखा, जो नहीं समझ में आया ना बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया एवरीवन, आंसर करिए जल्दी जल्दी, क्या होगा राइट आंसर? शिवांगी का डी, रागिनी का डी, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे डी कर रहे हैं, बट शुभम ने किया है सी। ओके, अनिरुद्धा भी सी बोल रहा है, आशीष भी सी बोल रहा है, ओके, गरीबी लाल डी, और भाई बाकी बच्चे आंसर करो, क्या होगा? नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट से रिलेटेड जो बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं वो नॉन अलाइनमेंट पर लिखना शुरू करो, देखते हैं कितना आपको याद है नॉन अलाइनमेंट टॉपिक से। बहुत बढ़िया, तो नॉन अलाइनमेंट ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हमारा कहता है कि जो नॉन अलाइनमेंट है, ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया के देशों के दृष्टिकोण से ही कैसा है, तो ये क्या करता है, ये प्रैक्टिस करता है आइसोलेटेड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या हमने बोला था जब हमने नॉन अलाइनमेंट बनाया था, 1961 में बना था ना, बेलग्रेड में बना था। नॉन अलाइनमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1961 में बच्चों, बेसिकली नॉन अलाइनमेंट की स्थापना हुई है ना। तो ये बेसिकली हमने तो ये चीज बोली नहीं कि भैया हम बिल्कुल तटस्थ हो रहे हैं, है ना, हमने नहीं बोला था ना ये न्यूट्रल हो रहे हैं। तो ये क्या प्रैक्टिस करता है? आइसोलेशनिज्म, आइसोलेट थोड़ी होते हैं हम, नॉट एंगेज विद डेवलप्ड कंट्रीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। भाई क्यों नहीं एंगेज होंगे, जो सही करेगा उसे सही की सराहना करेंगे, जो बुरा करेगा उसे बुरा बोलेंगे। मेंटेन करना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, भाई यही आंसर है, पकड़ में आ गया आंसर, है ना। देखो ये वाला देख लो एक बार, क्या पता ये भी ये हो सकता है। मेंटेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विद नॉन इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, देखो यहाँ पे नॉन इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना, यहीं से ही कट हो जाएगा, ठीक है। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया के देशों के दृष्टिकोण से था कि वो विश्व राजनीति में सक्रिय भागीदारी के साथ साथ अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखें, सही बात है ना, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने सी किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है रिक्स का, प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टेड और फ्यू, इसमें डिफरेंस बता दीजिए, लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, लास्ट में समझाएंगे, अगर रिक्स आ गए तो तभी समझा दूंगी, ठीक है। तो ये याद रखना, तो नॉन अलाइनमेंट, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस कब, ये बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961, बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी बच्चों, बांडुंग कब हुई थी, बांडुंग 1955 में, कब हुई थी, 1955 में हुई थी, है ना, ये याद रखना। अच्छा, जब हम नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज की बात करते हैं या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, अभी फिलहाल इसमें कितने देश हैं, कोई बच्चा बताएगा अभी फिलहाल इसमें कितने देश हैं? 120 देश हैं इसमें, 120 देश हैं, याद रखना, ये लार्जेस्ट ग्रुपिंग है, ठीक है, स्टेट की वर्ल्ड वाइड 120 इसमें देश हैं, 20 ऑब्जर्वर हैं, 10 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर है, तो ये याद रखना, ठीक है। और आप लोगों का एक और चीज आ जाती है, इसकी हिस्ट्री पूछ ली जाती है कि किन लोगों ने इसकी स्थापना की थी, तो ईगई याद रखना, ईगई इज अ ट्रिक बच्चों, ईगई, ई फॉर इजिप्ट, जी फॉर घाना, यू फॉर यूगोस्लाविया, आई फॉर इंडिया और आई फॉर इंडोनेशिया, ये इसके स्थापित जो फाउंड किया था ना जिन्होंने, वो देश है। चलो अब आपको क्या करना है, मैच करना है, कर लोगे? अरे हमारे बच्चे होशियार हैं, है ना, कर लेंगे। चलो ऑथर्स, ठीक है, और बुक दे रखी है, ठीक है, तो यहां पर देखो एक तरफ बुक है और यहां पे ऑथर है, ठीक है, ये देखो ये तो इधर दे रखा था विद देयर ऑथर्स, अब एक तरफ बुक है एक तरफ ऑथर है। चलो आपको क्वेश्चन देखो, फिर मैं आपका टाइमर चला रही हूं, अभी भी लाइक कम है भाई, लाइक कर दो सेशन को, क्योंकि देखो इतना आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ आपके लाइक से, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और डेली एमसीक्यूज लाने का मन करता है, वो भी आपके टफ लेवल के, ताकि आप एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर वाला जब एग्जाम दो तो वो आपको क्वेश्चन हलवा लगे कि अरे वाह हलवा क्वेश्चन है ना। सेशन को लाइक कर दो, मैम 3 बार लाइक कर दिया, अच्छा 3 बार लाइक हो जाएगा,
ये क्या शुभम क्या रहा है? बी 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 बी, अच्छा बी 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 बोल रहा है, हमें लग रहा है बी 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 बोल रहा है। चलो ओके, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम में, मिलेगी पीडीएफ, ठीक है टेलीग्राम में है, वहां से ले लेना। चलो ओके एवरीवन, प्रोवाइड द करेक्ट आंसर, टाइमर शुरू हो गया है, 30 सेकंड्स का टाइम है, आंसर करना है आप लोगों को किसमें, चैट बॉक्स में आंसर करिए। बहुत बढ़िया आशीष आपकी बीवी नहीं है, टेंशन मत लो, चलो आंसर करो फटाफट, आंसर करिए। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आशीष का ध्यान इन जगहों पर बढ़ा जाता है, जैसे बीबी की बात होने लगे या फिर वैसी बातें होने लगे, है ना, आशीष के कान एकदम खड़े जाते हैं, अरे ठीक है बिल्कुल, उसका ध्यान पूरा वही, अटेंशन चला जाता है पूरा। चलो टाइम हो गया एवरीवन, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे बुक्स दे रखी थी और ऑथर्स दे रखे थे, हमारे जो बच्चों ने आंसर किया है इसका तो वो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ज्यादातर बच्चे आंसर बी कर रहे हैं, ठीक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसका होगा, हंटी कंटन का, यानी वन का तो सी होगा, तो क्या वन का सी कहाँ कहाँ पर है, दो ऑप्शन में वन का सी है, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दो। फिर बात आती है एंड ऑफ हिस्ट्री की, तो क्या आपको फुकुयामा नजर आ रहे हैं, फुकुयामा, हाँ भाई फुकुयामा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, यानी सेकंड का क्या होगा, सेकंड का डी होगा। अरे भाई इतनी जल्दी आंसर मिल गया है ना, ये देखो ये बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है बी हो जाएगा, 1CBDA हो जाएगा, ठीक है तो ये याद रखना, ये 4-4 है, ठीक है इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो, अब जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है अभी बताई थी जब मैंने डिफेंसिव रियलिज्म बताया आपको, कैनेथ वॉल्स का, बनाना बीचेस एंड बेसिस, एनटीए यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है बच्चों, बनाना बीचेस एंड बेसिस आया था पेपर में, और ये बुक है सिंथिया इनलॉ की, किसकी बुक है, सिंथिया इनलॉ की। तो जो हमारे बच्चे आंसर कर रहे थे बी 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 बी, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है वेरी गुड शुभम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी बच्चों को भी वेरी गुड जिन्होंने आंसर करेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशन वॉज बिटवीन, किसके बीच में थी, सेकेंड ग्रेट डिबेट्स किसके बीच में थी, तो वो आपको बताना है, ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन बी ये रहा, ऑप्शन सी ये रहा, और ऑप्शन डी ये रहा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है दवा खा लो, खाना वाना खा के दवा खाना, ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। अच्छा सिंथिया इन लॉ से किया था आपने, उससे हो रहा था, ओके एवरीवन आंसर आंसर करिए, देखो टाइम हो गया आप लोगों का। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर, कुछ बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूजन है ना। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन की कितनी बार डिबेट्स बताई हैं, बताई हैं इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने आप लोगों को डिबेट्स कितनी बार बताई, उस दिन भी बताई थी, कोई बात नहीं, अगर हमारे बच्चे थोड़े भुलक्कड़ हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे साथ अब आओ यहाँ पर, अब हम चलते हैं विकिपीडिया पर, ठीक है अब हम चल रहे हैं विकिपीडिया पर, ये रहा विकिपीडिया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेट डिबेट्स दी हुई है इंटरनेशनल रिलेशन की। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी जो है वो ग्रेट डिबेट्स, इसके अंदर हम फर्स्ट डिबेट देखते हैं, तो फर्स्ट डिबेट जो थी वो किसके बीच में थी, अब देखो नोट डाउन करते हुए चलना, जितना बोलूं उतना नोट डाउन करना बस, उससे ज्यादा आपको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है इतना आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट ग्रेट डिबेट थी रियलिस्ट और आइडियलिस्ट के बीच में, अब आपको पता है एक आदर्शवादी है और एक यथार्थवादी है, यथार्थवादी रियलिटी पर बात करते हैं, वहीं आदर्शवादी अपने आदर्शों पर चलते हैं, मोरालिटी को मानते हैं, नैतिकता को अच्छा मानते हैं, मानते हैं। तो फर्स्ट डिबेट क्लियर, फर्स्ट डिबेट किसमें थी भूलोगे तो नहीं, लिख लो, रियलिस्ट और आइडियलिस्ट के बीच में थी फर्स्ट डिबेट, ठीक है।
अब बात करते हैं सेकंड डिबेट की। अब ये जो सेकंड डिबेट है आपकी, तो ये किसके बीच में थी? ये आपकी बिहेवियरिज्म और ट्रेडिशनलिज्म, इनके बीच में है। किसके बीच में है? बिहेवियरिज्म और ट्रेडिशनलिज्म। ओके, तो ये सेकंड ग्रेड डिबेट जो मानी जाती है आप लोगों की, तो ये आप लोग ध्यान रखना, बिहेवियरिज्म और ट्रेडिशनलिज्म, ठीक है? यानी ये आप लोगों की बिहेवियरिस्ट और ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस साइंटिसिज्म, आप इसको रियलिस्ट वर्सेस साइंटिसिज्म भी बोल सकते हो और बिहेवियरिस्ट और ट्रेडिशनलिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है? अब जो थर्ड डिबेट थी, थर्ड डिबेट किसके बीच में थी? थर्ड डिबेट, ये डिबेट थी आपकी किसके बीच में? जो लिबरलिस्ट रियलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट के, ठीक है? ये डिबेट किसके बीच में मानी जाती है? इन लोगों के, देखो, ठीक है? ये इन लोगों के बीच में मानी जाती है। ये आप लोगों की थर्ड ग्रेड डिबेट जो थी, वो आपकी प्रोपोनेंट ऑफ लिबरलिस्ट रियलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज, ठीक है? ये इनके बीच में मानी गई, यानी कि 1970s 1980s के टाइम पर। और फोर्थ डिबेट आपको पता है किसके बीच में आएगी? फोर्थ डिबेट आएगी पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट के बीच में, यानी कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बीच में आपकी फोर्थ डिबेट थी। क्लियर है? अगर लिखना हो इसको ना, थोड़ा पीछे कर लेना वीडियो को, ठीक है? फिर उसके बाद आप अपने नोट्स में लिख लेना। तो ये देखो, मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई, ठीक है? अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, आ जाओ। आंसर बताओ, अब क्या होगा आंसर? अब तो आंसर आराम से बता दोगे। फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट आएगा, रियलिस्ट और लिबरल, क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रियलिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट, है ना? हो गया, रियलिस्ट एंड, रियलिस्ट या ट्रेडिशनलिस्ट बोल दो, रियलिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट। तो यहां पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म फोर्थ वाली है, और रियलिस्ट और ये लिबरल वाली, ये फर्स्ट वाली डिबेट है ना? लिबरल, देखो बच्चों, हम इसको ना आदर्शवाद को, जैसे न्यू लिबरलिज्म थोड़ा सा होता है ना, तो उससे थोड़ा मैच खाता है उसके वैल्यूज, तो इसलिए बोल देते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है? समझ में आया? एक बार यस करके बताओ, किस किस को समझ में आया, किस किस को क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से। अपने हर्ट्स भी भेज सकते हो, थम्स अप भी भेज सकते हो, ठीक है? जल्दी से भेजो फटाफट, समझ आया? आगे चलें। अरे इसका तो आंसर आपको ने देख लिया, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो क्वेश्चन कहाँ है फिर? अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं हुआ, आंसर ही हो गया सीधा, चलो कोई बात नहीं, ये याद रखना। देखो इसमें क्या करना था, इसमें ना स्कॉलर्स थे, उनके कॉन्सेप्ट के साथ उनको मैच करना था। जैसे कि यस यस्किल ड्रॉर ने क्या दिया था? ऑप्टिकल पॉलिसी मॉडल। लिंड ब्लूम का क्या हो जाएगा? चार्ल्स लिंड ब्लूम का, इनका क्या होगा? एजेंट ऑफ इंपेयरमेंट। लास्ट वेल का क्या होगा? कॉन्टेक्चुअल कंफिग्रेटिव एनालिसिस। मार्क बेवर का गवर्नेंस, ठीक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीधा बच्चों इसमें आंसर ए हो गया, चलो ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर थम्स अप एंड हार्ट्स ऑल्सो। चलो नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो चार पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं, ठीक है? पेयर्ड विद पॉसिबल की कंपोनेंट्स, विच ऑफ वन ऑफ दीज फ्रेमवर्क इज करेक्टली पेयर्ड। इनमें देखो ये जो चार आपके दिए हुए हैं, अब इनमें से आपको ये छांटना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, सही मैच किया हुआ है, ठीक है? जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, तो क्या उसमें हिरार्की, सिविल सोसाइटी एंड सिटीजन आता है? पॉलिसी नेटवर्क थ्योरी, क्या इसमें इंटरडिपेंडेंस, कोऑर्डिनेशन, प्लूरलिज्म आता है? गेम थ्योरी में कॉलिशन, पॉलिसी चेंज और सब ग्रुप पॉलिसी आता है? सिस्टम अप्रोच में क्या प्रिजनर डायलेमा, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी आता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हेलो एवरीवन, हेलो वैशाली, गुड इवनिंग बच्चे, आंसर करना। वेरी गुड एवरीवन, आंसर जो है आप लोगों का, टाइमर चला दिया है, आंसर करेंगे। ओके एवरीवन, ठीक है, आप लोगों का टाइम जो है वो हो गया, ठीक है।
अब इसमें आंसर क्या होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, कौन सा भाई इसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्या हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हिरार्की सिविल सोसाइटी की बात करते हैं? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हम थ्री ईज की बात करते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस करते हैं। अच्छा, जो आपका पॉलिसी नेटवर्क थ्योरी है, पॉलिसी नेटवर्क थ्योरी याद रखना, ये इंटरडिपेंडेंस पर बेस्ड है, इसमें कोऑर्डिनेशन को बताया गया है और प्लुरलिज्म को बताया गया है, ठीक है। गेम थ्योरी, सब ग्रुप्स, कोलिशन, नो, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम अप्रोच, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बी आया है किसका, सिर्फ आशीष का, आशीष का आंसर आया है ऑप्शन बी, वेरी गुड आशीष, इसी तरीके से और आंसर करते रहिए, नाइस। अब देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इज द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स दैट अ हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर वुड यू एसोसिएट द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? बताओ किसकी एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी डेफिनेशन है? प्रशासन एक प्रकार का सहकारी मानवीय प्रयास है जिसमें उच्च स्तर की तर्कसंगतता होती है। प्रशासन की इस परिभाषा को आप किस विद्वान से जोड़ेंगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया एवरीवन। ओके, ठीक है, ओके एवरीवन। सो यहाँ पर जो है हमारे स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो, वेरी गुड एवरीवन, प्रोवाइड द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमारे ज्यादातर बच्चों के आंसर जो हैं वो आ गए हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स दैट हैज अ हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर वुड यू एसोसिएटेड दिस डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? बच्चे, एक बच्चा कह रहा है मैम कि प्लीज डिस्कस करा दीजिए गेम थ्योरी को। अयान, आप ना जयदेव क्लासेस लिखना और वहाँ क्या करना, गेम थ्योरी लिखना, जयदेव क्लासेस गेम थ्योरी, तो वहां पर टॉपिक आ जाएगा, उसको आप सुन सकते हो। बहुत थोड़ी सी क्लास होगी, ऐसी होगी 7-8 मिनट की क्लास, उसको अगर आप सुन लोगे ना तो काफी अच्छे से वो कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों, वो क्या होना चाहिए, किसने बोला था? यस, ड्वाइट वाल्डो इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया ना, जैसे चंदन ने सी दिया है, सुषमा ने सी दिया है, सुमन कुमार का सी है, इन बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एवरीवन, क्लैपिंग आप लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर किया है, ड्वाइट वाल्डो ने दिया है। ड्वाइट वाल्डो से आपको पता है ना क्या रिलेटेड है? NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस में आया था? मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस में आया था, है ना। और एक और इनकी बुक भी तो है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी बुक है? हर्बर्ट साइमन की। ड्वाइट वाल्डो की बुक का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, बताओ अगर किसी को याद है तो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है, ये इनकी बुक है, किसकी है? हमारे ड्वाइट वाल्डो की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन बच्चों, इसमें मैं हिंदी दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद आंसर करना। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनोवेशन जुड़ा हुआ है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से, जो कि आप जानते हो मनरेगा का नाम। तो यूनिवर्सल राइट बेस्ड अप्रोच जुड़ी है, वेल डिफाइंड टर्म एंड कंडीशन जुड़ी है एम्प्लॉयमेंट की, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड शॉक रिस्पॉन्सिवनेस पर फोकस किया जाता है, या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करता है। किन किन चीज़ों पर बात करता है? हिंदी दिखाऊं? ये लो आंसर करना, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब, चलो आंसर करो।
बहुत बढ़िया। आंसर जल्दी से कीजिए, आंसर वेरी गुड, बहुत बढ़िया एवरीवन। निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से जुड़ा है? ओके एवरीवन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, इसमें हमारे जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, जहां उन्हें दिखा ऑल ऑफ द अबव, वहीं हमारे बच्चों को ऑल ऑफ द अबव से एक तरफा अट्रैक्शन हो जाता है ना, फिर ऑल ऑफ द अबव के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता ना। चलो, ये अट्रैक्शन भी अच्छा है बच्चों, क्योंकि इसका देखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम आप लोगों का अगर हम देखें तो इसमें जो नवाचार किए गए, इसमें हमने सार्वभौमिक अधिकार आधारित दृष्टिकोण हो गया, ठीक है, रोजगार के सुपर परिभाषित नियम लाए गए, शर्तें लाई गई, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दिया गया, विकेंद्रीकृत योजना और प्रशासन पर ध्यान दिया गया, ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान दिया गया, यूनिवर्सल राइट बेस्ड अप्रोच पर ध्यान दिया गया, वेल डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट थे इन पर फोकस किया गया, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। सबसे पहले आपको पता है ये क्या था, पहले ये नरेगा था, ये मनरेगा नहीं था, पहले ये नरेगा था, तो ये 2005 में लाया गया था। ठीक है, इसके अंदर महात्मा गांधी एड ऑन कब हुआ, महात्मा गांधी को एड ऑन किया गया, यानी महात्मा गांधी नाम इसके अंदर रखा गया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 दिन का काम आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है ना। तो यहाँ पर जो नरेगा था आपका, ये मनरेगा कब बना, 2009 में, 2009 में इसका नाम बदला था, कब बदला था, 2009 में। हाँ, जलेबी बाई का एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल वेरी गुड, आपको याद है, आपकी तो बहुत अच्छी, फिर याददाश्त आपकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मेमोरी ले रहे हो, है ना। चलो, जो मनरेगा अगर आप देखोगे बच्चों, जब हम मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा जो है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 20 अगस्त 2005 में इसको पास किया गया था, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2006 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे तब किया गया था, ठीक है, ये बात याद रखना। और मनरेगा के अंदर आप सभी को पता ही है, 100 दिन का काम यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, 100 डे वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, द थ्योरी ऑफ वीटो प्लेयर्स इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप वीटो खिलाड़ियों का सिद्धांत सबसे अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है किससे, फ्रिट्ज से, बैरियम से, तेजिबल से, कारे स्ट्रॉम से। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ आ गए हम, हैं सारे के सारे, ये तो जाने पहचाने से नहीं लग रहे, है ना, ये आपके वो भाई हैं जो मेले में खो गए थे, ठीक है, मेले में खोए हुए लोग हैं ये, पहचानो इनको, थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा पहचानने के लिए। लो भाई, टाइम तो हो गया, आंसर बताओ जल्दी से, वेरी गुड एवरीवन। चलो ओके, ठीक है, शोर मत मचाओ, अब पता चल गया हमारे बच्चों को, टाइम हो गया भाई, आंसर कर दो जल्दी जल्दी। यस, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स ने जो आंसर किया है सी, कुछ बच्चे बी, आशीष डी बोल रहा है, विजय सी, सुषमा ए, सुमन बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो थ्योरी है वीटो प्लेयर्स की, ये बेस्ट एसोसिएटेड है किससे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा जॉर्ज टेसिब्लिस, सेब्लिस करके बोलेंगे इसे, जॉर्ज सेब्लिस, ठीक है, जो जॉर्ज सेब्लिस हैं, इनसे जुड़ जाएगा आपका क्या, वीटो प्लेयर थ्योरी, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये हैं कौन, इनसे थोड़ी जान पहचान हम लोग कर लेते हैं,
इन्होंने ना, अगर आप देखोगे ये जो जॉर्ज स्टेबलिस हैं, ये बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इनकी बुक है, आपको पता है जो वीटो प्लेयर्स हैं, ये इनकी बुक है, बुक का नाम है वीटो प्लेयर्स, ठीक है। और कब की बुक है, 2002 की। अच्छा कोई और भी बुक है क्या इनकी, तो यस, बिकामेरलिज्म। बिकामेरलिज्म को समझते हो, द्विसदनीयवाद, ये इनकी बुक है, ठीक है। बिकामेरलिज्म इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, तो ये याद रखना। तो यही जो है ना आप लोगों की, यही इनकी बुक है। और एक है नेस्टेड गेम्स, बस तीन ही, तीन चार बुक्स लिखी है इन्होंने बस, ठीक है, तीन चार ही बुक लिख पाई है। ओके, 1990, ठीक है। किसकी है, जॉर्ज सेबलिस। ये ना बच्चों, ये ग्रीक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के हैं ये, ओके। और ये बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्पेशलाइज्ड हैं, जॉर्ज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टेबलाइज्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर बोलते हैं, और वीटो प्लेयर थ्योरी देते हैं, वीटो प्लेयर थ्योरी इन्होंने बताई थी, ठीक है, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जल्दी से देखो। हाँ ओके एवरीवन, लोकसभा में पास हो गया है ना, जो महिला का रिजर्वेशन बिल है वो लोकसभा में पास हो गया, सभी महिलाओं को और पुरुषों को, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ठीक है। जो ये बेसिकली हमारे पूरे आगे चल के भी इस दिन को याद किया जाएगा, लोकसभा ने पास किया है हिस्टोरिक विमेन रिजर्वेशन बिल, ओके। तो आज ये हो गया, और कल आप लोगों को पता है कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें पहली बार संसद में पेश किए जाने के 27 साल बाद, 27 साल बाद ये बिल पेश हुआ बच्चों, पहली बार संसद में। और लोकसभा ने 20 सितंबर को संविधान में संशोधन करने और लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए इस विधेयक को पारित किया। विधेयक को अब शुक्रवार को समाप्त होने वाले विशेष सत्र के शेष 2 दिनों में पारित करने के लिए राज्यसभा में ले जाया जाएगा, ठीक है। और इसी ये जो है एक ऐतिहासिक कानून बनाते हुए ये राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भी भागीदारी को अब क्या करेगा, सक्षम करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लोकसभा में 454 सदस्यों द्वारा संविधान विधेयक 2023 को समर्थन मिला है, ठीक है, 454 सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो इसको बेसिकली समर्थन मिला है, और इसी समर्थन के साथ ये क्या हो गया, पास हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अब इसका आंसर करना जो हम बात कर रहे थे जिस क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी मैं इसकी हिंदी दिखा देती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ हाँ बिल्कुल, तोहफा ही है एक तरीके से। काफी लोगों ने सपोर्ट किया है। अच्छा
पूछा है ना, ट्रू पूछा है कि ट्रू कौन सा होगा। चलो यहां पे देख लो एक बार, जब विधायिका में महिलाओं की बात आती है तो भारत दुनिया के देशों के निचले समूहों में है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे पहले, अगर आप पहले क्या थोड़ा अभी भी देख ही सकते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली भारत दुनिया के देशों के निचले समूह में आता है महिलाओं के मामले में, क्योंकि यहाँ पे क्राइम और इन सब की वजह से भारत में विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी संसद में उनके प्रतिनिधित्व से अधिक है। बिल्कुल भी नहीं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों की तुलना में भारत की सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एक बार इंग्लिश में समझ लो, जब बात आती है विमेन की इन लेजिस्लेचर, तो इंडिया इज अ बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। सही बात है, जो शेयर है विमेन का लेजिस्लेटिव असेंबली में, इंडिया इज हायर देन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। नो, इंडिया का हायर रिप्रेजेंटेशन है विमेन का पब्लिक लाइफ में, अगर हम अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका से कंपेयर करें तो भाई इनके, देखो इन देशों से काफी अच्छी स्थिति है महिलाओं की हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? हाँ बिल्कुल चंदन, यस क्लियर है, इतना जल्दी से बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां तक आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट बेसिकली आना चाहते हैं, ठीक है, अगर आना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ऑफर में आपको सिर्फ 5,999 का मिल रहा है। जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, लेट्स गेट क्रैक JRF। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। गणपति पप्पा मोरिया, है ना। चलो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।